पनकी की पहचान ही पनकी वाले बाबा से है, और ट्रेन भी जब यहाँ से गुजरती है तो लोग कहते हैं पनकी वाले बाबा की जय। फेसबुक के सीईओ या सर्वे सर्वा मार्क जुकरबर्ग कभी शरण लेने गए थे, वो भी अध्यात्म की शरण में गए थे। मॉनसून में कितना हरा भरा हो जाता होगा यार ये। क्वैक क्वैक कछुआ तालाब या स्टेशन, पनकी का जो ये थर्मल प्लांट है नया वाला बृहद विशाल भीम का ऐसा, ये हर जगह से नजर आता है। हनुमान जी ये गधा भी है। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जो दुनिया है, इसको रचने वाले को भगवान कहते हैं, और जब संकट हम पर आता है, आप पर आता है, तो उसको हरने वाले को हनुमान कहते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। मैं हूँ कानपुर के पनकी में, और पनकी इंडस्ट्रियल हब रहा है, लॉजिस्टिक हब रहा है, बाबा का हब रहा है, बजरंगी बाबा का, ऑरेंज वाले बाबा का, टेढ़ी टांग वाले बाबा का, हनुमान बाबा का, और इसी के नाम पर इसीलिए इसको डेडिकेट करके धाम कर दिया गया है। यहाँ पर केवल और केवल हनुमान जी का मंदिर नहीं है, उसके इर्द गिर्द और भी चीज़ें हैं जो इस स्पेसिफिक एरिया को एक धार्मिक धाम के तौर पे तब्दील करती हैं। आज का सफर और आज की नजर पनकी धाम से। क्योंकि पनकी को पनकी वाले बाबा से ही जाना जाता है, पनकी वाला एरिया जितना इंडस्ट्रियल हब और लॉजिस्टिक हब के तौर पे मशहूर नहीं है, उससे ज्यादा इनके बाबा जो बजरंगी बाबा हनुमान जी हैं उनके नाम पे प्रसिद्ध है। तो आपको दिव्य दर्शन कराते हैं इस धाम वाली यात्रा के। पनकी के स्टेशन का जो पुल है, वहां से नया वाला जो थर्मल प्लांट है वो नजर आता है, बहुत बृहद है, बहुत विशाल है। और जैसे ही पनकी के रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे, सबसे पहले नीम करोली बाबा का हनुमान जी वाला मंदिर है, और वो पनकी मंदिर के बाद का मंदिर है। मेरा नाम दिनेश चंद मिश्रा है, यहाँ पुजारी हूँ। ये एक तो दक्षिण मुखी है, 60 वर्ष पुराना है। बाबा नीम करोली जी ने हनुमान जी की स्थापना की थी, उन्हें बनवाया है, तो मंदिर ट्रस्ट में है। जिनके धाम में उत्तराखंड में कैची धाम में फेसबुक के सीईओ या सर्वे सर्वा मार्क जुकरबर्ग कभी शरण लेने गए थे, वो भी अध्यात्म की शरण में गए थे। तो आपने देखी होगी ये तस्वीरें नीम करोली बाबा की, हम चाहेंगे दिखाइए। ये इन्हीं की संस्था से जुड़े हुए देश भर में मंदिर है, और उसी के तहत एक हमारे कानपुर के पनकी धाम का भी मंदिर है। हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं, और ये बाबा का सन 1964 में मंदिर बना है। हमारा अगला पड़ाव कछुआ तालाब, उसका मंदिर है। ये बरसों पुराना तालाब है, और इस तालाब में इतने बड़े बड़े कछुए। हम दर्शन करके आए हैं नागेश्वर मंदिर, जो कि कछुआ तालाब में है, और इसके ठीक सामने, बिल्कुल ठीक सामने ये विशाल सा तालाब है। पहले इस तालाब की हालत बहुत खस्ता हुआ करती थी। जो रेलिंग देख रहे हैं, जीने देख रहे हैं, वो जो झरोके किस्म के आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो सब पहले यहाँ नहीं हुआ करते थे। इस तालाब में बताया जाता है कि बरसों पुराने कछुए मछलियाँ हैं। इसके पीछे कहानी पता नहीं कितनी सही है नहीं है, यहाँ के स्थानीय लोग ही बताते हैं कि कोई दरोगा साहब हुआ करते थे, और उन्होंने तस्करी के माल में जा रहे कछुओं को पकड़ा था। उन कछुओं को लाकर यहाँ छोड़ दिया गया था, और बरसों बाद जो बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े कछुए हो गए, और आज की तारीख में जब निकलते हैं तो यार देखने वालों का मजमा जुड़ जाता है। मॉनसून में कितना हरा भरा हो जाता होगा यार ये।
वो भी आया उधर भी है, वो सांप वाली मछली है। और ये भी मछली भी है, पहले यहाँ पर बतके नहीं थी, अब यहाँ पर कुछ बतकों को भी रखा गया है। हालांकि इस तालाब की स्थिति थोड़ी अव्यवस्थित है, थोड़ी सी अव्यवस्थित है, लेकिन बतके जो है यहाँ आके चार चांद लगा रही हैं। क्वैक क्वैक मछली, अबे इनकी दोनों की लड़ाई, आप खा तुम बता। कछुए जो है बेसिकली सर्दी के समय में नहीं नजर आते हैं, जब गर्मी होती है धूप होती है तो वो बीच में निकलते हैं, और स्पेसिफिकली तब जब आप खाने पीने के लिए उन्हें ब्रेड आटा रोटी ये सब चीज़ें डालते हैं तब वो इर्द गिर्द आते हैं। अदरवाइज वो चूँकि तालाब ये गहरा है इसलिए वो बीच में घुसे रहते हैं। अरे बहुत बड़ा है, जिसका था आपको और मुझे सबसे ज्यादा इंतजार वो घड़ी आखिरकार आ ही गई। ये है पनकी की आन बान और शान वाला धाम, और यहीं से होके जाता है बाबा का दिव्य द्वार। यही है पनकी वाले बाबा के मंदिर का गर्भगृह का मुख्य द्वार। कुल द्वार यहाँ पे सात हैं, सात ऐसे हैं, चार बाहर हैं जो बाहर के प्रवेश द्वार हैं, बड़े बड़े भव्य द्वार, और अंदर मंदिर में घुसने के लिए तीन द्वार हैं। तो मेन ये वाला है, एक उधर है और एक उस साइड है। हनुमान जी की गदा भी है, और ये मेरे ख्याल से पीतल का है, चांदी का है, काहे का है पता नहीं, लेकिन गोल्डन कलर की प्लेटिंग और बहुत सुंदर सा गदा है। हमें लग रहा है कि अगर ये जड़ा ना हो और उठाने को लगे तो उठा ना पाए, इतना भारी है, बहुत भव्य है। मतलब मंदिर के परिसर में जो परिक्रमा वाला हिस्सा है वहां पर मिलेगा और आपका अलग ही अट्रैक्शन ग्रैब करेगा। वेटिंग के बाद, खटखटाने के बाद हनुमान जी ने दरवाजा खुलवा ही दिया, हम आ गए दूसरे द्वार से। और ये घंटियों का जो स्थान है, सो दैट्स द मेन विग्रह, और इसी विग्रह को लेकर कहा जाता है कि हनुमान जी की मूर्ति आ रही थी चित्रकूट से, वो रुकी थी विश्राम के लिए दल के साथ और फिर उसके बाद उठी नहीं, और तब से ये मूर्ति मंदिर और धाम यही है। 400 से 500 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। बस आई है, बाबा ने बुलाया था, सो दैट्स ढेर सारा प्रसाद। इस मंदिर की टाइमिंग जो है सुबह 5 बजे इसके पट खुलते हैं, 12 बजे तक पट रहते हैं दोपहर को, उसके बाद ये मंदिर बंद हो जाता है, 2 घंटे का विश्राम रहता है, 2 बजे पट खुलते हैं, उसके बाद रात में 10 बजे तक। सीताराम हनुमान जी की सेना यहाँ बहुत सक्रिय रहती है, हालांकि ऐसे परेशान नहीं करेगी आपको, अगर अगर आपका मन साफ है ना तो ये सेना आपको परेशान नहीं करेगी। मेरा नाम धैर्य चौरसिया है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था फिलहाल में 2 महीने पहले, तो उसमें बाबा मेरे सपने में आकर प्रकट होकर दर्शन देते कि बाबा बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद से मेरा दर्द सब सही हो गया था, फिलहाल तो बाबा की माया, बाबा बड़े दयालु हैं। यहाँ जो भी मनौती मानोगे तो पूरी जरूर होती है, सच्चे मन से अगर आओगे दरबार में। पनकी के आनवान था हमारा, पनकी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है पूरा पनकी। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है इस मंदिर से जुड़ा हुआ कि जब भी मैं कानपुर से दिल्ली के लिए श्रम शक्ति पकड़ता हूँ तो उसमें बहुत बड़ी टुकड़ी होती है लोगों की, यात्रियों की, जब गाड़ी चलती है ना तो सब कुछ कुशल मंगल रहे उसके नाम पर लोग कहते हैं कि पनकी वाले बाबा की जय, जैसे ही गाड़ी चलती है वो नारा
वो जयकारा तभी लगता है और तभी वो गाड़ी बढ़ती है। तो लोगों में इतना आस्था, इतना विश्वास है इस मंदिर के प्रति। हमारी संस्कृति में आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गुरुकुल चलते हैं और जहाँ पर शास्त्रों का पाठ पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो पनकी मंदिर से भी सटा हुआ एक गुरुकुल है, वेद पाठशाला है, बाबा श्री भुवनेश्वर दास वेद पाठशाला। तो ये है पनकी मंदिर का दिव्य भव्य शिखर। देखिए ये जो ब्रह्मांड है ना, ये जो दुनिया है, इसको रचने वाले को भगवान कहते हैं। और जब संकट हम पर आता है, आप पर आता है, तो उसको हरने वाले को हनुमान कहते हैं। यही है हनुमान जी का माना हुआ, पहचाना हुआ और जाना हुआ पनकी का दिव्य धाम। इसको पनकी का बुर्ज खलीफा कह सकते हैं, लोग कानपुर का भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी आधिकारिक लंबाई नहीं पता है, ऊंचाई नहीं पता है, इसलिए हम वैसा कोई गलत दावा नहीं करेंगे। लिहाजा ऊंचा तो बहुत है। और इसको देख के मुझे केवल इतना ही अनुमान लगाने का मन करता है कि चार पांच कुओं की गहराई के बराबर, ये जो है ना थर्मल प्लांट, ये है। और इसके अंदर अगर आपको उतारा जाएगा या डाला जाएगा तो कितनी देर में आप पहुंचेंगे कल्पना नहीं की जा सकती, बहुत टाइम लगेगा। ये थी पनकी धाम की दिव्य और भव्य यात्रा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो बात ही क्या। तब तक जय पनकी वाले बाबा की।